आइए दोस्तों, आज नए छोले की रेसिपी बनाते हैं। जैसे हम काले छोले की रेसिपी बनाते हैं, वैसे ही हम आज बनाएंगे हरे छोले की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लेते हैं। हेलो यूट्यूब के दोस्तों, नवजोत होम शेफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे दोस्तों, अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। आइए आज हम नई रेसिपी बनाएंगे। उससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए दोस्तों। आज की हमारी रेसिपी है चने की रेसिपी दोस्तों। आज हम इसमें ना ही आलू डालेंगे, ना ही कोई और चीज़ डालेंगे। हम सिर्फ जैसे हम काले चने बनाते हैं दोस्तों, उसी तरह से इस रेसिपी को नए तरीके से बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले चने ये है दोस्तों, जो हम हरे चने की रेसिपी बनाते हैं, ये वही रेसिपी चने हैं। ये देखिए, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए टमाटर और अदरक की प्यूरी। इसमें हमने ना ही लहसुन डाला दोस्तों, ना ही प्याज डाला, सिर्फ टमाटर और अदरक का पेस्ट है, जिसे हमने मिक्सी में पीस कर रख लिया। और ये रहे थोड़े से हमारे मसाले। इन चीज़ों से ही हम आज की रेसिपी बनाएंगे दोस्तों। आइए रेसिपी शुरुआत करते हैं बनाने की। ये लीजिए दोस्तों, हमने कुकर को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें ऑयल को भी गर्म कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को आप स्किप मत कीजिए दोस्तों इस रेसिपी से। जीरे के बाद दोस्तों अब हम डालेंगे टमाटर और अदरक की प्यूरी। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले दोस्तों। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब डालेंगे दोस्तों जो हमारा छोलिया था वो डालेंगे। ये देखिए हमारे मसाले की रंगत कितनी अच्छी आई है। आपने इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना दोस्तों, कच्चे में मत डालिए। छोलिया डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे, ताकि जो हमारा छोलिया वो मसाले में अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए दोस्तों। पानी डालने के बाद दोस्तों हम थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे धनिया पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसे हमने हाथ से क्रश कर लिया। अब हम इसे विसल लगाएंगे, 3 विसल लगाएंगे दोस्तों। अब हम ढक्कन लगा के दोस्तों 3 विसल लगाएंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं हमारी रेसिपी कैसी बनी है। इस रेसिपी को अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल शाही तरीके की रेसिपी बनती है। एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आपने काले चने की रेसिपी खाई है, वैसे ही लगेगी इस रेसिपी का टेस्ट। आइए दोस्तों अब हमारी रेसिपी देख लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारी शाही छोले की रेसिपी तैयार है। ये लीजिए दोस्तों हमारी शाही छोले की रेसिपी। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि हमारी रेसिपी आपको कितनी हेल्पफुल लगती है। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नवजोत होम शेफ चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ।